प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना यानी सौभाग्य। सरकार देश के हर ऐसे घर, चाहे वो गांव में हो या शहर में हो या झुग्गी झोपड़ी में हो, दूर दराज वाले इलाके में हो, उस घर को बिजली कनेक्शन से जोड़ने का आज हम संकल्प करके आगे बढ़ते हैं। सौभाग्य योजना के तहत खंभे तार लग रहे हैं, कनेक्शन हो रहा है, तो वो आपके यहाँ नहीं हुआ अभी? हमारे यहाँ तो अभी नहीं हुआ। कितना बस्ती है जहाँ लाइट नहीं है? तो अब यहाँ लाइट अब देख लीजिए, यहाँ ये यहाँ से लेके वहाँ तक है ये। लगभग कितना जनसंख्या होगी? जनसंख्या तो लगभग इसमें छोटे बड़े मिलाकर कम से कम 200-300 की बस्ती है, 400 के बीच में है। वैसे लाइट नहीं है दीदी, तो बड़ा दुख है, अंधियारे में नहीं रहने पड़ता है। किसी गरीब से बिजली कनेक्शन के लिए किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा। हाँ, सरकार कह रहे हैं कि बस सब वो फ्री या सब चीज मिल जाता है, सब चीज फ्री दे रहे हैं। भैया अपने कैसे देखो, हर एक चीज तो मुलाहले ही पड़ते, पैसा पैसा ना कहो तो कहा से तार फार सब लाग जाए। हमें फ्री के कनेक्शन ना चाहिए। अरे हाँ, जब सब चीज फ्री में हुआ तो क्या मतलब है, पैसा तो लगभग करी। कनेक्शन हुआ है जी सर, तो इसमें क्या आप लोगों को लगा है? 200 रुपया लगा है। कौन लोग लिए हैं? ठेकेदार लोग लिए, जो लगाया है तार खींचने। क्या कह के लिए हैं वो? कहते हैं 200 रुपया लगता है कनेक्शन के लिए। देश के हर गरीब के घर में बिजली कनेक्शन पहुंचाने के लिए 16,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का खर्च आएगा। 16,000 करोड़ रुपया का ये जिम्मा उन परिवारों की जिंदगी में एक नई रोशनी लाने के लिए। तो ये लाइट कब लगी है? अरे ये लाइट हो गया कम से कम 6 महीने लगे। ये जो सौभाग्य लाइट नई योजना लगी है, ये लगा भर दिए, अभी जलने की इसमें कोई वो नहीं है, ना जल रही है। तो आप लोग का कनेक्शन हो गया? कनेक्शन हमारा चालू है, बिल भी यहाँ कंप्यूटर में आ चुका है। कितना बिल आया? हमारा तो आया है 7,000 कुछ रुपए बिल आ चुका है। इस बार से कनेक्शन है, और जब से गड़ा है यहाँ कोई ठेकेदार और कोई आता नहीं है, और जो लगा के चले गए अगर कोई इंक्वायरी नहीं, कोई को दूसरा खराब हो जाए तो कोई दूसरा खराब हो जाए, ट्रांसफार्मर से खराब होता है। दिखावटी मीटर लगा, दिखावटी खंभा लगा है, और हर जन परेशान रही थी। गरीब आदमी, आज हम भले आदमी हो तो हम अपने से लगा ले, क्यों सरकार की व्यवस्था ले, हमको क्या करने की जरूरत रही। पिछले 3 सालों में 1.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक के प्रोजेक्ट पर काम किया गया है। ये पिछली सरकार के आखिरी 3 वर्षों की तुलना में 83% अधिक है। बच्चे जो है पढ़ते हैं, उनको अब अंधेरे में कैसे पढ़ें, और मोबाइल भी जैसा चार्ज करना है तो मोबाइल भी नहीं चार्ज हो रहा है, गर्मी बहुत लग रही है, पंखा भी नहीं चलता, सब परेशानी हमारे पास देहात में हो रही है। उजाला योजना के तहत अब तक देश में 26 करोड़ से ज्यादा एलईडी बल्ब बांटे जा चुके हैं। एलईडी बल्ब आपको मिला है? नहीं मिला हमें, बल्ब नहीं मिला। इसके अलावा सरकार द्वारा बिजली बचाने वाले लगभग 13 लाख पंखे और 33 लाख से ज्यादा ट्यूबलाइटों का भी वितरण किया गया है। सौभाग्य योजना के तहत पंखा आपको मिला है? पंखा भी नहीं, नहीं बल्ब मिला, पंखा नहीं मिला। देश के आम नागरिक, देश का गरीब, देश का हर उपभोक्ता हमारे लिए सर्वोपरि है। यहाँ खाना पूर्ति भर कर दिया है, और खाना पूर्ति करके चले गए, और कोई यहाँ कार नहीं हो रहा है, और क्या करें, समस्या जो सुनाते हैं तो इधर उधर कर देते हैं लोग। जो इससे कि ये अभी NCC कंपनी में काम कर रही थी, तो उसके द्वारा जो गांव जैसे जो मजरे चाहे जो उनके हैबिटेशन छूट गए हैं, उनमें टाटा कंपनी भी आ गई है। टाटा कंपनी के द्वारा अगर यदि वो 10 घर का भी पुरवा है तो उसमें वहाँ तक उसको विद्युत पहुँचाई जाएगी, और उनमें जो भी गरीब परिवार होंगे, जो BPL हैं, अंत्योदय हैं, चाहे APL भी होंगे, तो उनको सौभाग्य योजना के तहत जो भी स्कीम चल रही है तो उसके तहत उनको पूर्ण रूप से आच्छादित किया जाएगा, कनेक्शन दिया जाएगा। सभी 57 ग्राम पंचायतों में काम चल रहा है, और ग्राम पंचायतों में मजरे अधिक होते हैं। किसी ग्राम पंचायत में 14 मजरे हैं, 10 मजरे हैं, 8 मजरे हैं क्रमागत। पहले उसमें बड़ा कोई पुरवा मजरा उसको लिया जाता है, फिर उससे छोटा, फिर क्रमशः ऐसा एक जहाँ एक घर है वहाँ भी उसका अपना एस्टिमेट बना करके वहाँ भी बिजली पहुँचाने का काम
किया जा रहा है। भाग्य योजना से भैया अब जन जन होगा परम सुखा।